कभी ख्वाब देखा है मियाँ, जो अधूरी रह गई हो? जीने के चार दिन ओ, ओ, ओ बाकी है बेकार दिन ओ, ओ, ओ। मोटिवेशन प्रॉब्लम है आज। किस दिन टिक पाऊंगा कि नहीं नहीं पता, पर लेट्स सी। यूजुअली इट इज दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट आप सर्वाइव कर लिए ना तो आप पुल ऑफ कर लोगे। तो आई एम गोइंग टू पुश माय सेल्फ। रोज एक प्रोड्यूस करना मुश्किल तो है यार। एक बैक ऑफ द माइंड में ऑल द टाइम जो है वो चलता रहता है कि मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ और कैसा बनेगा आज और कल का कैसा था। एवरीथिंग इज गोइंग इन द माइंड। बर्नआउट इन डे 3 इज टू मच फॉर मी टू एक्सेप्ट इट, सो आई जस्ट कीप डूइंग इट इवन इफ इट सक्स। थोड़ा सा तो मूड ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, मेरा काम बचा हुआ है। और मेरे को खुशी भी ये भी है कि 3 दिन मैंने लगातार प्रोड्यूस किया, चाहे वो कितना भी गंदा हो। मूड स्विंग्स भी हो सकता है और ऑल्सो बहुत हीट डिसिपेशन हो रहा है। जो स्वेट का स्मेल है वो डिफरेंट है एंड इवन ब्रेथ स्मेल में डिफरेंस लग रहा है। इट मे बी अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मतलब बच्चा नहीं हो रहा, कीटो में घुस रहा हूँ। मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। मैं फिल्म एडिटर हूँ बाय प्रोफेशन। इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ स्कल्प्टर, प्लम्बर एंड अ टेलर में भी। ये हमारे HOD कहा करते हैं। अगर कपड़ा है आपके पास तो उसको बराबर काट के परफेक्ट स्टिचिंग करके और उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना हमारा काम रहता है। सो आई वॉज फैसिनेटेड विद द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म इन द थिएटर। पिछला 10 साल का भी जर्नी देखा जाए तो इट्स बीन अ वेरी बिग रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। पहले मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया 4 साल, फिर मैंने 3 साल कॉर्पोरेट में काम किया एंड बॉम्बे में रहने के दौरान मेरा दिमाग खुल गया था कि ये मुझे करना नहीं है। या डिड यू चेक द रिपोर्ट्स? आई नीड इट टुडे। आई बैडली वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट पाथ। द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज लाइफ में एक पॉइंट आता है जब यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट। यू डोंट अंडरस्टैंड कि करना क्या चाहिए, आगे क्या होने वाला है, फोकस नहीं होता है, यू फील अनमोटिवेटेड। उस टाइम पे मोटिवेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इफ यू राइड दैट वेव ना तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। लाइक टुडे आई एम हैविंग दैट फीलिंग व्हेन यू फील वेरी लॉस्ट एंड सो वन एडवाइस फॉर दोज हु आर गोइंग थ्रू दैट फेज, ये मैंने एक फिल्म से सीखा है, ऐसा दिल पे हाथ रखने का और बोलने का ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब सॉर्ट हो जाएगा। धूप तो निकले गई आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया रोशन हुई सारी जमीन।
जगमग हुआ सारा जहां, ओ उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहां। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गया, वो है वेट ट्रैकिंग। आपको बताऊंगा तो है नहीं कि कितना वेट है, पर आई जस्ट टेक द वेट। फिश ऑयल टैबलेट्स। लिवर जो है वो लिवर फैट को कन्वर्ट, हाँ सो लिवर हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट फॉर द एनर्जी। तो लिवर को थोड़ा फ्यूल करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, जो होता है कंपलसरी नहीं है, लेना है तो ले सकते हो, वरना रुक। अरे रुक, एक और चीज भूल गया मैं, वर्कआउट। द लीस्ट आई कैन डू इज टू गो फॉर अ वॉक, सो शैल वी। फते करेंगे और क्या। जगह चूज करूंगा जहां पे लोग नहीं है। आई एम स्मार्ट ब्रो, वेलकम टू माई सिटी। सपने पूरे होते हैं, ख्वाब देखो, एक दिन आपका ख्वाब आपका वजूद हो जाएगा, आपका ख्वाब आपके सारे बंधनों से आज़ादी दिलाता है। ख्वाब देखिए यहाँ। बिना मास्क के ही पूरा वर्कआउट करके आ गया भाई, मत करना ये स्टंट्स, आर परफॉर्म बाय एक्सपर्ट्स, डू नॉट ट्राई दिस एट होम।
भाई बहुत दिन हो गया भाई भाग के गांड भटी के।